पश्चिम उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर त्यागी समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें त्यागी समाज के लोग बीजेपी के साथ नोएडा से सांसद महेश शर्मा के खिलाफ ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर त्यागी समाज के लोगों ने मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाने का घेराव किया। त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि वे श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में नहीं है, मगर जिस तरह मीडिया और सोशल मीडिया पर त्यागी समाज को टारगेट किया जा रहा है वो बेहद दुखदाई है। उनका कहना है कि श्रीकांत त्यागी के बच्चों या उनकी पत्नी का कोई दोस्त नहीं है, जिस तरह उन्हें डर के साए में अंधेरे में रहना पड़े, उनके घर की बिजली काट दी गई। इसको लेकर त्यागी समाज ने कहा कि समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज का जो धरना प्रदर्शन है या त्यागी समाज मुजफ्फरनगर की तरफ से रखा गया है यहाँ, और ये जो हमारे त्यागी बरादरी के लिए अपशब्द बोले गए हैं कुछ पार्टी के लोगों के द्वारा, जैसे सांसद हैं नोएडा के और समाजवादी के वो प्रवक्ता हैं, उन्होंने समाज के लिए उलझुल जो बातें की गई हैं ये उसके विरोध में है। और जो श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो कार्रवाई की गई है, हालांकि हम समर्थन नहीं करते उनका, श्रीकांत जी का हम ये समर्थन नहीं करते कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या ऐसा करें, नहीं, महिला माँ और बहन हमारे भी है, महिला शक्ति है, उसने हमें जन्म दिया है और उन्होंने किया है तो उसकी सज़ा उन्हें कानून देगा, और उनके हिस्से में जितनी सज़ा आती है उसके लिए न्यायपालिका है। एक मेरी पुलिस से भी अपील है कि वो खुद न्यायपालिका का काम ना करें, ठीक है, न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दें। और जिन लोगों ने हमारे समाज के लिए अपशब्द बोले हैं, जैसे वो सुनील साजन हैं इसके समाजवादी के, उन्होंने खुलतम मीडिया के ऊपर आकर ये कहा है कि त्यागी बिरादरी इस तरह की होती है, मैं कह भी नहीं सकता इतने गंदे शब्द, तो हम उनका विरोध करेंगे पूरा। बता दें कि मुजफ्फरनगर में कई गांवों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। त्यागी समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ जो घटना हुई उसके प्रति भी त्यागी समाज के लोगों में रोष है।